हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ में। जैसा कि आपको पता है कि यूनिक के करंट अफेयर्स प्रोग्राम यानी यूनिक ऑनलाइन गुरु के करंट अफेयर्स डेली प्रोग्राम को हम लोग डेली कंडक्ट करते हैं, और उसी सीरीज़ में मैं आज भी आप लोगों को एक रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्मेट में यहाँ पे करंट अफेयर्स अवेलेबल करा रहा हूँ। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, और एक बात याद रखिएगा, ज़रूरी यही है कि आप डेली उठ करके सुबह अपने लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम करते रहें, ताकि हर दिन आपका एक नई सुबह लेकर के आए। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। आज है 7 अक्टूबर 2021 और आज की खबरों को हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स डेली के साथ, और ये जो है यूनिक ऑनलाइन ग्रुप के जो मॉर्निंग में चलने वाले स्पेशल प्रोग्राम है उसका ही पार्ट है, तो ध्यान से देखते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में 2022 से बोतल बंद पानी को जो है प्रतिबंधित करने का ऐलान किया गया? तो इसका आंसर पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा, ये सिक्किम की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में ऐसा किया है, और इसका आंसर है सिक्किम। ओके, और सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम में अभी ये आप देख सकते हो कि सिक्किम में जो है अभी हाल ही में घोषणा की गई, जो कि इनके अभी सीएम की बात की जाए प्रेम सिंह तवांग, तो प्रेम सिंह तवांग ने अभी हाल ही में एक घोषणा की 1 जनवरी 2022 से जो है पैकेज मिनरल वाटर पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और ताज़ा और अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल प्रदान किया जाएगा। एक्चुअली हो क्या रहा था कि ये जो पैकेज्ड वाले मतलब कि पैकेट वाले जो बोतल वाले जो पानी आते थे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है, उससे कचरा बहुत ज़्यादा फैलता था। उस कचरे को कम करने के लिए ये घोषणा की गई गांधी जयंती के दिन। ओके, अहिंसा दिवस भी इसको बोलते हैं, 2 अक्टूबर की बात की गई, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड था ये। अब हम लोग और सारी चीज़ों को डील कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये सिक्किम वाला पोर्शन। आप देख सकते हो किन किन देशों से ये सीमा साझा करता है, तो ये नेपाल, भूटान और ये चाइना, इन तीनों देशों से ये सीमा साझा करता है, तो इसको आप ध्यान से देखते रहेंगे। अगर बात की जाए किस स्टेट से ये सीमा साझा करता है, तो सिर्फ वेस्ट बंगाल से इसकी जो है सीमा साझा होती है, ये आप ज़रूर देखते रहेंगे। ओके, और चीज़ों को हम लोग रिलेट कर लेते हैं इससे पास में, तो खैर जैविक खेती वाला पहला राज्य भी सिक्किम ही है, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के बाद अगर कोई स्टेट है जहाँ पे केसर की खेती होती है, तो ये स्टेट जो है सिक्किम ही है, इसको भी आप ध्यान में रखते रहेंगे। आसपास की चीज़ों को देख लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, तो अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में आफ्सपा लगा दिया गया है तीन जिलों में और 2 थाना क्षेत्रों में, ऐसा किया गया है उग्रवादी गुटों के लिए। आफ्सपा यानी आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, और अभी नागालैंड में आफ्सपा की जो मतलब टाइम पीरियड थी उसको बढ़ा दिया गया है। एंड असम की बात की जाए, कार्बी आंगलोंग जो जनजाति समझौता था ये भी हाल ही में हुआ, इसको देख सकते हैं। और अभी हाल ही में इसकी मटक और बहुत सारी जनजातियां जो हैं, 6 जनजातियां इसमें जो है अभी फिर से 6th शेड्यूल में अपने डिमांड कर रही हैं आने के लिए। ओके, मेघालय की बात की जाए तो मेघालय जहाँ पे मासिनराम सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसको आप जान सकते हैं। गारो खासी जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ और 3 जनजातियाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक और चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि मेघालय की अभी रेबेका वनेसा ये जो हैं ये पहली खासी महिला हैं जिनको कि मुख्य सचिव बनाया गया है, और उमंगोट जल परियोजना जो है वो भी मेघालय से ही है, तो इसको आप लोग रिलेट कर सकते हैं, जो कि आसपास की पूरी लोकेशंस को आपको डील करता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण कहाँ किया गया? देखिए, मध्यस्थता केंद्र का मतलब क्या होता है, मध्यस्थता केंद्र का मतलब क्या होता है, कोई अभी अगर गेम हो रही है उसमें किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है, तो उसको मध्यस्थता करने के लिए यानी बीच बचाव करने के लिए कोई भी आ जाए उसकी यहाँ पर बात की गई है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख सकते। तो ये अभी किया गया हाल ही में अहमदाबाद में, तो इसको आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे। अहमदाबाद जो कि किस नदी के किनारे है, तो साबरमती नदी के किनारे है, ये आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले, कौन सी नदी, साबरमती नदी। ओके, और अगर नदी की ही बात की गई है तो और कौन कौन सी चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ से। अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद जो है अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या गुजरात के अहमदाबाद में रहती है, यानी अगर बात की जाए जनसंख्या की तो अहमदाबाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में बड़ा, और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो कच्छ जो इसका एरिया पड़ता है ये जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा ज़िला होता है गुजरात का। ओके, गांधीनगर की बात की जाए तो गांधीनगर जो है यहाँ पे जो कि कैपिटल भी है गुजरात की, गांधीनगर में सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसको आप रिलेट कर सकते हैं। और अभी 5-स्टार होटल जो है वो भी यहीं पर बनाया गया, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और कौन सी चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं, तो अगर धौलावीरी की बात की जाए तो अभी यूनेस्को ने अपने जो 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जाए उसको भी बनाया, तो ये जो 40वां हेरिटेज साइट जो है ये धौलावीरा बना गुजरात का, इसको भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। हम लोग कुछ मैप से भी देख लेते हैं जो हमारे लिए मैप से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को, जैसे कि मैप में जब हम देखेंगे तो आप ये सब चीज़ें पोर्शंस कुछ ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि गुजरात का ये गांधीनगर आपका तो हो गया जिसको हमने डील कर लिया। ओके, ये पड़ता है नर्मदा ज़िला, और नर्मदा ज़िले में है क्या,
जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट की बात की जाए तो 182 मीटर से ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है एक स्टैचू है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं। और कौन सी चीज़ें रिलेट करने वाली बात हो जाए तो नर्मदा ज़िले में ये जो केवड़िया जो एरिया पड़ता है जहाँ पे 182 मीटर्स यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी इस्टेब्लिश है, यहीं के पास की जो झील है इसका नाम क्या है, ये पंचमुली झील है, जहाँ से अभी 194 यानी 194 मगरमच्छों को निकाल करके दूसरी जगह भेजा गया पार्क्स में, इस वजह से ताकि उनसे किसी को प्रॉब्लम ना हो और यहाँ पे जो है बोटिंग की सुविधा स्टार्ट की जा सके। ओके, और कौन सी चीज़ें हम लोग रिलेट कर सकते हैं उसको भी हम लोग रिलेट ही करते चलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर महीसागर की बात कर ली जाए, यहीं पे ये महीसागर वाला एरिया जो पड़ता है इसकी बात की जाए तो सबसे पहला डायनासोर पार्क जो भारत का जो है यहीं पर चलाया गया। और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुरेंद्र नगर यहीं पे आता है आपके, और सुरेंद्र नगर को जब हम रिलेट करेंगे तो ये क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, सुरेंद्र नगर में अभी KVIC यानी कि खादी एवं ग्रामोद्योग विकास के द्वारा, विकास आयोग के द्वारा क्या किया गया, यहीं पे अभी हाल ही में सबसे पहला भारत का जो खाद्य एवं सिल्क प्रसंस्करण प्लांट जो है लगाया गया, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, और कक्ष किरण की बात की जाए तो ये आपको पता ही होगा कि सोलर पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क, इसको लगाने की घोषणा की गई है कहाँ पे, कक्ष किरण में, ठीक है, रन ऑफ कक्ष, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ डील करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, नदी की बात मैंने बताया था तो सूरत भी ध्यान रखिएगा, सूरत किस नदी के किनारे है, तो ये ताप्ती नदी के किनारे है, ये सब आप पढ़ सकते हो, ये पढ़ने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्यस्थता केंद्र किसके द्वारा किया गया, कैसे किया गया। ओके, हाल ही में अरब सागर में आया जो शाहीन चक्रवात है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, देखिए कौन सा देश किया है चक्रवात का नामकरण, ये देख सकते हैं, अभी कतर के द्वारा ये नामकरण किया गया, तो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और कौन कौन से चक्रवात आए थे तो इन सारे नामों को हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर रिलेट कर लेते हैं ताकि हमारे कुछ सारे नाम जो हैं याद होते चलें। जैसे अगर बात की जाए, ये तो अभी जो चक्रवात आया है शाहीन चक्रवात, ये किसको किसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो ये प्रभावित करेगा दो स्टेट, गुजरात और महाराष्ट्र को, ये गुजरात वाला और ये महाराष्ट्र वाला जो पोर्शन है, इन दोनों एरियाज़ को कवर करेगा। क्यों कवर करेगा, क्योंकि ये आ रहा है अरब सागर से, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, अरब सागर वाले पोर्शन से आने की वजह से ये दो स्टेट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाला है, ये आप देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कतर के बारे में, कतर कहाँ पे पड़ता है, ये आपका जो पूरा एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे पास में आपका पड़ता है, शायद आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे या नहीं कर पा रहे होगे, मैं बता, जो छोटा सा पोर्शन दिखाई दे रहा है ना आपको इधर, ये ठीक है कतर का दोहा, ये जो है कतर है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और कौन कौन सी चीज़ें हम लोग आसपास में रिलेट कर सकते हैं, तो ये जो है 3 दिन तक भारी बारिश की जो संभावना की गई थी और इसकी जो हवाओं की रफ्तार है 60 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की बात की गई थी, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ये तो आ चुका गया। और कौन कौन से चक्रवात आए थे, और सारे चक्रवातों को हम लोग देख लेते हैं, नाम यहाँ पे थोड़ा रिलेट करते चलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो गुलाब चक्रवात अभी हाल ही में आया था, इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था, और इसकी बात कर लीजिए गुलाब चक्रवात, ये किस किस को प्रभावित किया था, तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश को इसने प्रभावित किया था इस चक्रवात ने, राइट। दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं, दूसरा कौन सा चक्रवात आया था, निसर्ग चक्रवात, जिसने किसको प्रभावित किया था, ये महाराष्ट्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, अरब सागर से आया था। ओके, और कौन सा, इसका निसर्ग का नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया था, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और जो सबसे पहला 2021 का चक्रवात आया उसका नाम था ताऊते चक्रवात, और ताऊते चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, म्यांमार के द्वारा। ताऊते का मतलब होती है छिपकली, ठीक है, तो धीरे धीरे छिपकली की तरह से जैसे चलता आ रहा था, तो म्यांमार के द्वारा ये घोषणा की गई थी, नाम रखा गया था, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम से लेकर के और सारी चीज़ें आप लोग रिलेट कर सकते हो, नाम कैसे रखा जाता है इसके पीछे एक प्रोसेस है, 8 देशों का एक यूनिट बनाया गया है जो कि नाम बारी बारी से अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखते चले जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने रिलेट कर लिया, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, LIC के CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार किसने संभाला है, तो अभी हाल ही में BC पटनायक ने क्या किया है, LIC के जो CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का जो पदभार BC पटनायक ने संभाला है, तो इसको आप लोग रिलेट कर सकते हैं। और फोटो देखने के बाद एक और चीज़ हम लोग रिलेट करेंगे यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे NV रमन्ना की बात की जाए, नथलपति वेंकट रमन, वो प्रेजेंट टाइम में क्या है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये रिलेट कर सकते हो आप सब। शक्तिकांत दास ये कौन है, तो शक्तिकांत दास आपको पता होगा कि अभी आप नोट निकालोगे तो किसकी फ़ोटो दिखेगी। ओके, तो फोटो भी देख लेना निकाल करके, RBI के गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में, किस क्रम के गवर्नर हैं ये आप बताओगे। ओके, और कौन सी चीज़ें हम लोग रिलेट करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इसको तो आप लोगों ने देख ही लिया और सारी चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट थे हमने देख लिया। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य के अलीबाग के सफ़ेद प्याज को हाल ही में क्या दिया गया, GI टैग प्रदान किया गया, तो ये है महाराष्ट्र में, इसको आप लोग जानते रहेंगे, महाराष्ट्र
जो कि अभी हमने देखा भी था मैप में भी। ओके अभी फिर से मैप में देख लेंगे तो महाराष्ट्र कौन सा, अलीबाग एक एरिया पड़ता है, यहीं का जो सफ़ेद प्याज है इसको हाल ही में GI टैग दिया गया। अब GI टैग कौन कौन से प्रोडक्ट को और मिला है इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड का एक प्रोडक्ट था कौन सा, नागा खीरा। नागा खीरा को अभी हाल ही में क्या दिया गया, GI टैग प्रदान किया गया, इसको आप रिलेट करेंगे। मणिपुर की बात कर ली जाए तो मणिपुर का भी क्या क्या यहाँ पे इसको मतलब हाल ही में, जैसे मणिपुर का काला चावल जो है, ओके तो काला चावल को जो मणिपुर का है इसको भी हाल ही में क्या दिया गया, GI टैग दिया गया। काला चावल, काला चावल आप ध्यान रखना, काला नमक चावल की बात नहीं की गई है, काला नमक चावल जो है वो दूसरा है। काला नमक चावल जो है ये सिद्धार्थनगर का है जिसको GI टैग दिया गया, जिसको बुद्धा चावल भी कहते हैं। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो विलो क्रिकेट बैट, जो क्रिकेट बैट है इसको GI टैग दिया गया, इसको ध्यान रख सकते हैं आप। और इसी के साथ ही गुच्छी मशरूम और केसर को भी GI टैग प्रदान किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ओके यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अलीबाग का, उसके बाद से यहाँ से हम लोग रिलेट कर लेंगे महाराष्ट्र, जिसकी की कैपिटल क्या है, मुंबई है, ये आप ध्यान में रखते रहेंगे। और अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, महाराष्ट्र और गुजरात कब अलग हुआ था और ये कब बन के इस्टेब्लिश हुआ था, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में दो। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य के पालघर के कोलम चावल को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया, तो इसका भी आंसर वही है जो अभी पिछला आंसर था, महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र के पालघर का कोलम चावल को अभी हाल ही में क्या GI टैग प्रदान किया गया। चावलों की बात कर रहे हैं तो चावलों को और सारा रिलेट करके हम लोग जानेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे ताकि हमको बहुत सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो सकें। जैसे अगर बात कर ली जाए यहीं पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये कौन सा, ये कोलम चावल है, और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको चिन्नौर चावल की बात बताई थी जो कि मध्य प्रदेश के कौन से, बालाघाट एरिया का, मध्य प्रदेश का जो चिन्नौर चावल था इसको क्या दिया गया था अभी हाल ही में, इसको भी GI टैग प्रदान किया गया था। और दूसरी बात उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश अभी मैंने आपको बताया सिद्धार्थ नगर का कौन सा, जिसको बुद्धा चावल बोलते हैं या काला नमक चावल बोलते हैं, ठीक है, काला नमक चावल भी बोल सकते हो, बुद्धा चावल भी बोल सकते हो इसको, इसको आप लोग रिलेट कर लेंगे। और कौन सी चीज़ें हैं, बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार का भी कौन सा, एक कतरनी राइस है, कतरनी चावल, हालांकि बिहार के दो और प्रोडक्ट्स कौन से, जरदालू आम और शाही लीची, ये आपको याद हो गया होगा, इसको भी अभी हाल ही में GI टैग दिया गया था। तो कतरनी राइस या कतरनी चावल जो है इसको भी हाल ही में GI टैग दिया गया, तो ये सब चावल से रिलेटेड चीज़ें हो गई, कहाँ कहाँ GI टैग दिया जाता है। GI टैग आपको पता होगा कब से देना स्टार्ट किया गया, 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को जो है सबसे पहले क्या दिया गया था, जो GI टैग दिया गया था इसको हाल ही में, ठीक है, इसको आप जानते रहेंगे, जो सबसे पहले दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ये आप देख सकते हो हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत द्वारा कौन सा मेडल जीता गया, तो भारत द्वारा मेडल जीता गया ये अभी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल, तो ये आप रिलेट कर लेना, कौन सा ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक, इसको जानते रहना आप लोग। और कौन सी चीज़ हम लोग जान सकते हैं यहाँ से आगे करके, ये हुआ कहाँ था और सारी चीज़ें क्या थी, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये युगल, युगल का मतलब आप जानते हो कि युगल का मतलब जो टीम बन के होती है, जैसे अभी झांग शुआई और सानिया मिर्जा ने मिलकर के कौन सा टेबल टेनिस, जो अभी टेनिस जो हुआ था उसमें उन्होंने जीता था, उसी तरीके से ये कौन सा है ये आप देख सकते हैं, शरद कमल और जी साथियान, ये दोनों लोगों की एक टीम थी, और हरमीत देसाई, मानव ठक्कर, युगल सेमीफाइनल है। युगल का मतलब आप जानते हो जोड़े में इन लोगों को खेलना होता है, तो इन लोगों ने जो है किस तरीके से जीता ये आप देख सकते हैं। ओके और तीन टोटल जो है एक एक करके कांस्य पदक इन लोगों ने जीता, और इससे पहले भी टीम ने क्या है एक कांस्य पदक जीता था, तो यानी टोटल तीन ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं। ये हो कहाँ पे रहा है, तो ये टोटल हो रहा है आपका दोहा में चला, कतर के जो दोहा, कतर के कैपिटल दोहा है और यहीं पर चल रहा है, कतर को हमने अभी मैप में भी देखा था, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन सब चीज़ों को हम लोग देखते चलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार और ज़रूरतमंद होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, हाँ एक चीज़ और देख सकते हैं आप लोग, जो इंटरनेशनल जो अभी हाल ही में इसकी बात की जा रही है, किसकी, इंटरनेशनल टेबल टेनिस की, ठीक है, तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस का महासंघ जो है इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है, स्विट्ज़रलैंड में, बट ये कहाँ पे हुआ, दोहा कतर में, और कतर कहाँ पे है, तो कतर हम लोग देख सकते हैं यहीं पर आपके सामने पड़ जाता है, ये मैप आप देखो जो कि हम लोगों ने अभी फिर से डील किया था, तो ये आपका कतर वाला पोर्शन हो गया। ओके और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ जान लीजिएगा, इसमें जो फाइनल था इसमें क्या है, दक्षिण कोरिया से ये लोग आ रहे थे, ठीक है, और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को जो डिवाइड करती है लाइन, उस लाइन का क्या नाम है, इसको आपको मेंशन करना है। ओके अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया, तो विश्व पशु दिवस अभी हाल ही में 4 अक्टूबर को मनाया गया, इसको आप लोग याद रखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 अक्टूबर। और अभी 5 अक्टूबर की बात की जाए तो 5 अक्टूबर को क्या मनाया गया और कौन कौन से डे मनाया गया हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि इसको मनाया क्यों गया, पारिस्थितिकी तंत्र में जो पशुओं का योगदान है उसको बताने के लिए इस डे को मनाया जाता है,
और जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस के साथ, ये कौन सा वृद्ध व्यक्तियों के लिए मनाया जाता है दिवस, ये आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़, विश्व निवास दिवस जो है ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को क्या है अहिंसा दिवस यानी कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस है, और 4 अक्टूबर को क्या है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर तक, और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस भी मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है, ये मैंने आपको कई बार बताया था। 5 सितंबर को क्या है हमारे नेशनल यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, ओके। 6 अक्टूबर विश्व मुस्कान यानी कि स्माइल डे, अक्टूबर के पहले शुक्रवार को, और 8 अक्टूबर, आज तो खैर 7 है लेकिन कल जो है 8 अक्टूबर है, वो भारतीय वायुसेना दिवस के लिए, क्योंकि 1932 में इंडियन एयरफोर्स इस्टेब्लिश हुआ था, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती अभी मनाई गई, और इस जयंती के अवसर पर किस देश में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो ये संग्रहालय का उद्घाटन बांग्लादेश में किया गया, ये आप रिलेट करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बांग्लादेश के किस पोर्शन में किया गया, तो बांग्लादेश का एक नोआखली एरिया है, उस एरिया में इसको अभी हाल ही में इस्टेब्लिश किया गया। अब हम लोग कुछ चीज़ों को यहाँ पर रिलेट करते चलते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक सबसे पहले तो यहाँ की कैपिटल क्या है, ढाका है, ठीक है, और ढाका के साथ यहाँ की पीएम कौन है, शेख हसीना, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, तो शेख हसीना। उसके साथ ही यहाँ के अभी राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट टाइम में, अब्दुल्ला हामिद हैं, ये दोनों चीज़ें आप लोग रिलेट करेंगे। और अगर बात कर लीजिए अभी इनको शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड, प्रोग्रेस का मतलब आप समझ ही रहोगे, तो SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में प्रोग्रेस अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया, शेख हसीना को, जो कि यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहीं से और सारी चीज़ें हम लोग रिलेट कर लेंगे कि SDG चेंज मेकर अवार्ड किसको मिला था, यहीं बांग्लादेश की फेरोज़ फीज़ा वीथर को, ठीक है, फेरोज़ फीज़ा वीथर, मैंने इसको भी पढ़ाया हुआ है आपको, तो फेरोज़ फीज़ा वीथर को रिलेट कर लेंगे, क्या है SDG चेंज मेकर अवार्ड इनको। और अभी SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका अधिवक्ता किसको नियुक्त किया गया, यानी SDG अधिवक्ता ये कैलाश सत्यार्थी, जो कि 2014 में क्या है शांति के लिए नोबल पुरस्कार पा चुके हैं भारत की तरफ से, ये आप देख सकते हैं, ओके। और इम्पॉर्टेंट क्या है, बांग्लादेशी जो विदेशी मंत्री हैं डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन, इनके द्वारा ये अभी हाल ही में क्या किया गया था, उद्घाटन जो किया गया, जिसकी मतलब गांधी जी संग्रहालय की, ठीक है, इसको आप रिलेट करेंगे। अब हम और ऑप्शंस को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और ऑप्शंस में आ जाता है आपका केन्या, तो केन्या में अभी जब हमारे SJYSHANKAR जी विदेश मंत्री दौरे पे थे तो इन्होंने क्या किया था, एक उद्घाटन किया था महात्मा गांधी संग्रहालय का, ठीक है। और नाइजर की बात की जाए तो नाइजर में ही महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया था SJYSHANKAR के द्वारा ही। और श्रीलंका की बात कर ली जाए तो श्रीलंका में भी अभी हाल ही में, मतलब अभी तो खैर दिक्कत चली है श्रीलंका में, खैर फूड इमरजेंसी लग चुकी है, तो इसको आप लोग जानते रहेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब एक थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ करके, और आंसर आप लोग जरूर करके बताइएगा किस तरीके से आपको लगा, इस तरीके का कैसा लग रहा है। और कल मैं आपके बीच में मतलब की कोशिश करूँगा, कल से जो है हम जो फेस टू फेस इंटरेक्ट करें और अपने क्लासेस को जैसे पहले चलाते थे वैसे चलाएं। सपोर्ट कीजिएगा, आपके जो भी सजेशन्स हैं वो इनवाइटेबल हैं। बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।